रहीम साफ़ी हजरात, हम बाप जो पार्टी थी उसकी शुरू से एहतियाती रहे और इस 3 साल के मुद्दत में हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो कमिटमेंट हमारे ज़ाती नहीं थे, बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में थे। उस कमिटमेंट को पूरा करने में जाम साहब नाकाम रहा। बारहा हमने हर वक्त जाम साहब को कहा, बलूचिस्तान के रवायत, यहाँ के कल्चर, लोगों की मिजाज को देख के, यहाँ के पसमानदगी हालात को देख के, आप सलाह और मशवरे के साथ गवर्नमेंट को चलाएं। लेकिन जाम साहब ने अपने को अकल कुल समझा, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं की, ज़ाती तौर पे उन्होंने गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की। वक्तन पर वक्तन उनको हमने आगाही दी कैबिनेट के मीटिंग पे, कैबिनेट से बाहर भी हमने उसे मशवरा दिया कि यह तर्ज अमल जो है गैर जमहूरी गैर सियासी है, थोड़ा इस पे आप नज़रसानी करें। जनाब साहब हज़रात, आप ने देखा कि बलूचिस्तान में स्टूडेंट नाराज, टीचर नाराज, डॉक्टर नाराज, ब्यूरोक्रेसी नाराज, कारोबारी लोग नाराज, जमींदार नाराज, गरज के हर मकतब फिक्र नाराज हुए। जब ये साथी हमारे साथ बैठे, हमने मशवरा किया कि बलूचिस्तान को इस अजाब से छुटकारा दे। जाम साहब को हमने पैगाम किया, जाम साहब आप रिजाइन करें, -1 पे वही जो हमारी एहतियाती हैं उनके साथ मिलके नया गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे। जाम साहब एक जिद में हैं, लेकिन बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में एक फर्द की खातिर पूरे बलूचिस्तान को कुर्बान नहीं किया जाता। देखें, उनको हमने सपोर्ट की, एतमाद दिया उसको, अभी वो एतमाद उन्होंने पूरे बलूचिस्तान का जो एतमाद था, पार्टी की अपनी एतमाद थी, उसके वर्करों का एतमाद था, वो सरे से ख़त्म हुआ। अभी सब अवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया है, हर डिस्ट्रिक्टों में लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं बेहतर यही है, जाम साहब को जिस दिन लोगों के घर जाना था वो इनकारी रहा, ऑफिस में 2-2 घंटे बैठे रहे वो इनकारी रहा, तो हमने ये जो यूनिटी बनाई है सिर्फ जाम को हटाने की खातिर नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में बलूचिस्तान को कुछ रिलीफ देने के लिए, आवाम को साथ मिला के आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जाम साहब बजाय घरों की चक्कर लगाने की कल तक अपना इस्तीफा दे दें। अगर 6 तारीख तक 5 बजे इस्तीफा नहीं दिया, हम एक बहुत बड़े ऐलान करने जा रहे हैं, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है। तो इस हवाले से आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारी ये पैगाम, ये आवाज़ आगे ले जाएंगे। नसीबुल्ला मरीब इस मेरे भाई हैं, वो भी 2-4 बातें करते हैं। तो